कॉबेक्स मास्टर 2018 पुण्यात संपन्न झालेल्या अंतिम फेरीमध्ये डोटा 2 आणि सीएस गो या खेळामध्ये आरओजी टायटन्स आणि मॅक पुणे 5 ने जीजी वेल प्लेड आणि टीम एनएस केला मात देऊन विजय मिळवलाय. भारतात ई गेमिंगची अशा प्रकारची खेळली जाणारी ही पहिली राष्ट्रीय स्पर्धा आहे. पुण्यामध्ये झालेल्या टुर्नामेंट मधील विजेत्यांना ट्रॉफी बरोबरच प्रत्येकी 30,000 आणि कॉबेक्स मर्चंडाइज मिळालेत. उपविजेत्यांना प्रत्येकी 20,000 रुपये मिळालेत. हा अंतिम सामना कोंडव्यामधील मॅक कॅफे मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. कमरुद्दीन शेख है, मैं कॉबेक्स से बिलोंग करता हूँ, कॉबेक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ. हम लोग ने यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, कॉबेक्स मास्टर रीजनल टूर्नामेंट है जो इंडिया में 10 सिटीज़ में होगा और हर सिटीज़ में 50,000 का प्राइज मनी है पर टाइटल. और यहाँ पे दो टाइटल है तो एक सिटीज़ में 1,00,000 का प्राइज पूल मिलेगा. ऐसे हम लोग ने 10 सिटीज़ टारगेट किए हैं. बहुत सारी टीम्स ने रजिस्टर किया है, लगभग 300 से 400 टीम्स ओवरऑल इंडिया ने यहाँ पे किया है रजिस्टर. और यहाँ पे पुणे में इटसेल्फ कम से कम 20-25 टीम ने किया होगा. उसके बाद ये लोग एडवांस होके ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेल के यहाँ पे लैंड टूर्नामेंट पे आए हैं. और आज हमें यहाँ पे चार जो कैप्टन्स आपने अभी मिला है जिनसे बात की है, चार कैप्टन्स जो बैठे थे अभी सेमीफाइनल फाइनलिस्ट थे, आज उनका फाइनल टूर्नामेंट है. और फिर आज ये लोग अगर जीत गए तो आज इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब मिलेगा. यामध्ये ई गेमिंगची आवड असणाऱ्या तरुण खेळाडूंनी उत्साहपूर्ण सहभाग घेतला होता. आपले विचार व्यक्त करताना आरओजी टायटन्सचा कर्णधार दर्शन म्हणाला की आजचा दिवस आमच्यासाठी एक स्मरणीय दिवस आहे, कारण आम्ही भारतातील सर्वात मोठ्या गेमिंग स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र ठरलो आहोत. आतापर्यंत आम्ही अशा स्थानिक स्पर्धांसाठी खेळलो जिथे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाव नव्हता. कॉबेक्स मास्टर्सने प्रथमच आम्हाला एक मोठ्या पातळीवर खेळण्याची संधी दिली. आपल्या देशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल आम्ही खूप आभारी आहोत. आता आमचं ध्येय आहे ही टूर्नामेंट जिंकणं. मी जीजी वेल प्लेड टीम का कॅप्टन हूँ और हमारी टीम पुणे बेस्ड है, तो हम जीजी वेल प्लेड कॅफे पे खेलते हैं. और मैं जो गेम खेलता हूँ वो डोटा 2 है. और ये गेम का मेरे को पता चला मेरे बड़े भाई से, वो डोटा 1 मतलब ये हम जो गेम अभी खेलते हैं डोटा 2 उसका पहला वाला वर्जन खेलता था, तो उससे मेरे को डोटा 2 का इंट्रोडक्शन हुआ. मेरा नाम बारी अनवर है, मेरी टीम का नाम है आरओजी टाइटन्स. हम लोग को स्पॉन्सर किया है एसुस ने, तो एसुस एक बहुत बड़ी कंपनी है और हम लोग को वो लोग ने मुंबई में देरी में एक बहुत बड़ा सा घर दिया है जिसमें हम लोग रहते हैं सब साथ में 5 प्लेयर. बेसिकली हम लोग के पूरे 5 प्लेयर अलग अलग शहरों के हैं, तो हर एक शहर का अच्छे अच्छे प्लेयर हम लोग ने स्पेशली सेलेक्ट किया है ये टीम के लिए. टीम मॅक पुणे 5 कर्णधार रोशन म्हणाला की सीएस गो खेळाकडे आम्ही गंमत म्हणून वळालो होतो, पण कॉबेक्स मास्टरने या खेळाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आणि करिअर म्हणून पाहायला शिकवलंय. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याचं आमचं स्वप्न आहे आणि आता आमच्या प्रवासाला सुरुवात झाली आहे. हम लोग की जो टीम है अराउंड 7-8 इयर्स से खेल रही है, हम लोग 7-8 इयर्स से खेल रहे हैं. हम लोग नासिक से है और इसके लिए 5-man टीम रहती है. इसमें दो टीम खेलती है 5 vs 5 और एक साइड खेलती है टेरिस, एक साइड खेलती है काउंटर टेरिस. दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करना रहता है और जो अपोनेंट टीम को मार देता है वो जीत जाता है एट द एंड. ओके, सो हम लोग ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है. 5 लोग हम लोग प्रैक्टिस करना पड़ती है इस गेम के लिए, पूरा डिसाइड करना पड़ता है कौन कैसा खेलेगा. जैसे क्रिकेट खेलते हैं कुछ स्ट्रैटेजी रहती है, वैसे इसमें सेम रहता है, इसमें स्ट्रैटेजी वगैरह रहती है और टीम गेम होता है इसमें. मेरा नाम रोशन पुजारी, मैं कैप्टन हूँ मैक पुणे 5 टीम का. तो टीम में 5 मेंबर होते हैं, हम लोग टोटल 30 राउंड्स रहते हैं उस गेम में. एक 15 राउंड सिटी से खेलना पड़ता, काउंटर टेररिस्ट से खेलना पड़ता और 15 राउंड टेररिस्ट से खेलना पड़ता. तो अपने टेररिस्ट वाले बॉम्ब प्लांट करके राउंड जीतने का ट्राई करते, मतलब बॉम्ब प्लांट करके वो एक्सप्लोर करने तक रुकते. सिटी वालों को उनको मार के प्लांट नहीं करने देने का और बॉम्ब डिफ्यूज कर देने का. तो ऐसे राउंड बढ़ते जाते, फिर 30 राउंड अगर टाई हुआ 15-15, फिर बाद में 3-3 राउंड्स बोथ साइड से दिया जाता उन लोगों को. फिर चार जो जीतेगा फिर वो जीत जाता. पुण्यातील पहिल्या टप्प्याच्या यशस्वी निष्कर्षानंतर आता सर्वांचे डोळे फेज 1 उर्वरित भागावर आहेत. सर्वोत्कृष्ट संघासह कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांना तयार करून कोबेक्सने भारताला जागतिक दर्जाच्या गेमिंग स्पर्धेपर्यंत पोहोचवलं आहे. माझं नाव प्रणव कावेडे आहे आणि आपण आत्ता मॅक कॅफेला आहे, ते NIBM रोडमध्ये आहे. आणि कोबॅक्स मास्टर्स, जसं तुम्ही मागे बॅनर बघतायत, कोबॅक मास्टर्स चालू आहे सध्या पुण्यामध्ये, फेज 1 आहे. आणि पुणे हा खूप मोठा झाला आहे आता ई स्पोर्ट्स गेमिंगमध्ये, म्हणजे लहान राहिला नाही, कुठल्या गोष्टीमध्ये मागे नाही आहे. आणि 2 गेम्स इकडे चालू आहे, एक तर डोटा 2 चालू आहे आणि एक CS GO आहे.
डोटा 2 जी आहे ही स्ट्रॅटेजी गेम आहे, ती 5v5 खेळली जाते. आणि CSGO आहे ती फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम आहे, ती पण दोन टीम्समध्ये खेळली जाते, एक टेररिस्ट असतं आणि एक काउंटर टेररिस्ट असतो. प्रतिनिधी सूरज कांबळे, ब्युरो रिपोर्ट, पुणे.